बागेश्वर में अनियंत्रित होकर पलटी केमू बस, हादसे में दो लोगों को आई गंभीर चोटें। उत्तराखंड में 550 केसों के साथ हुआ कोरोना विस्फोट, बीते दिन कोरोना से हुई दो लोगों की मौत। हल्द्वानी के कोतवाली परिसर में लगी आग, परिसर में खड़ी सीज गाड़ियां भी आई आग की चपेट में। फटगली क्षेत्र में हुई मारपीट को लेकर जांच की मांग, बीते दिन ग्रामीणों और जवान के बीच हुई थी मारपीट। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर ने संभाला मोर्चा, टिहरी झील से पानी भरकर आग बुझाने के लिए भरी उड़ान। बागेश्वर में छुट्टी पर घर आए जवान की हुई मौत, नम आंखों के साथ लेफ्टिनेंट को दी गई विदाई। देहरादून के नारायण विहार में बना कंटेनमेंट जोन, राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 9। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए अस्पताल के कर्मचारी। परिवहन मंत्रालय ने जनता को दी बड़ी राहत, किसी भी जिले में करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। हरिद्वार में 6 दिन में पाए गए कोरोना के 600 संक्रमित, बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई मुश्किलें। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।